गहलोत साहब, इस बड़ी सभा में आप पर खुद पर आरोप लगाना चाहता हूं कि आपका बेटा यहां से काला धन को भेजता है मॉरिशस के रास्ते से, और हजारों करोड़ रुपए। अखबार में पढ़ा भी था, फोटो भी देखा था, आपने भी देखा होगा। मैं भी मंत्री रहा हूं, मुख्यमंत्री के निवास पर बहुत बार गया हूं, लेकिन गहलोत साहब के मुख्यमंत्री निवास पर एक पैर में कील घुस गई। अब कील कहां से आती है पता नहीं, और कील इसलिए घुसी कि उस दिन केंद्र के हाई कमान ने, कांग्रेस के ने पायलट साहब को भी बुलाया था, गहलोत साहब को भी बुलाया था। कील घुस गई तो एसएमएस में गए, तो खड़गे जी का बयान और फोन वीडियो आपने देखा होगा कि गहलोत साहब अब तो इस पट्टे को खोलो। लेकिन अभी आप देखते होंगे गहलोत साहब के दूसरे पैर में भी पट्टा बंध गया, और पट्टे को आप ढंग से देखना, कभी कोई कील लगती है तो एक पैर में ही लगती है, दो में नहीं लग सकती। एक पे पट्टा बंध रहा है, पाजामे के ऊपर पट्टा कभी नहीं बनता। लेकिन यह कीर्तिमान स्थापित करने का काम अशोक गहलोत ने किया है। अब आप राजस्थान के सारे कार्यकर्ता आज इसलिए आए हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान, कैसे सहें? देश में कहीं पर भी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि शासन सचिवालय में, योजना भवन में गहलोत की अलमीरा करोड़ रुपए उगलें, सोना उगलें, और केवल एक डिप्टी डायरेक्ट को गिरफ्तार करके इतिश्री कर दी जाए। गहलोत साहब सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी आपको सहन बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आईटी के मामले में 5,000 करोड़ का घोटाला गहलोत साहब की सरकार ने किया है, जिसमें गहलोत साहब खुद शामिल हैं। यहाँ जल शक्ति मंत्री बैठे हैं गजेंद्र जी, इन्होंने राजस्थान को केंद्र से 30,000 करोड़ रुपए दिया, 30,000 करोड़। 20,000 करोड़ के टेंडर में घोटाला हुआ, आपको जानकारी है कि वो टेंडर जब मामला उठा तो निरस्त करने पड़े, इसलिए कि उसमें घोटाला था। और दो फर्म तो ऐसी थी जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं था, और उनको 900 करोड़ का काम दे दिया। हमने मामला उठाया तो निरस्त करना पड़ा, और आपने अखबार में पढ़ा होगा गहलोत साहब के नेताओं ने, अफसरों ने साठ गांठ करके शासन सचिवालय से 200 करोड़ रुपए की घोटाले की फाइलों को गायब कर दिया। जल जीवन में घोटाला, खान में घोटाला, और मैंने वैभव गहलोत का बेटे का भी मामला उठाया था। फिर मैं गहलोत साहब इस बड़ी सभा में आप पर खुद पर आरोप लगाना चाहता हूं कि आपका बेटा यहां से काला धन को भेजता है मॉरिशस के रास्ते से, और हजारों करोड़ रुपए होशवाइट होकर अपने यहां पर आते हैं, और बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हुआ है वह आप जानते हैं। राजस्थान में 67 लाख बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया, 10 परीक्षाओं के पेपर आंदोलन के कारण निरस्त करने पड़े। लेकिन गहलोत साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि वहां पर लिखा हुआ डीपी जारोली का बयान कि राजनीतिक संरक्षण में कराया गया पेपर लीक, ये डीपी जारोली का बयान है, तो राजनेता कौन कौन है जिन्होंने पेपर लीक किया, उन पर आज तक शिकंजा क्यों नहीं कसा? शिकंजा करना तो कसना तो दूर की बात, उल्टी डीपी जारोली को क्लीन चिट दे दी, एसओजी ने आज तक उसको पूछा तक नहीं। आरपीएससी का मामला उठाया गया, हमने कहा आरपीएससी से पेपर लीक हुआ है, और आपको पता है
आरपीएससी के बाबूलाल कटारा तो भीतर हैं लेकिन चेयरमैन बाहर हैं। मुख्यमंत्री की कृपा है, चेयरमैन जेल में नहीं जा सकता। इसलिए चाहे किसानों पर अत्याचार हुआ, किसानों ने आत्महत्या की और 20,000 किसानों को कुर्की के नोटिस दिए हैं, किसान परेशान है और महिला दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार हुआ है। आपको पता है अरुण सिंह जी गए थे, एक धरना हमने दिया था, एक दलित युवती को रात के 1:30 बजे उठाया गया, उसके साथ रेप किया गया, उसके गोली चलाई गई, गोली से नहीं मरी तो उस पर तेजाब डाल दिया और तेजाब से भी नहीं मरी तो उसको एक कुएं में डाल दिया। गहलोत साहब, ये दलितों पर अत्याचार हो रहा है। आप मणिपुर की बात सुनाते, थाने गाजी में घटना हुई थी, पति पत्नी जा रहे थे, दोनों को पकड़ा, पति को भी नंगा किया, पत्नी को भी नग्न किया और 6 लोगों ने पति के सामने पत्नी के साथ गैंग रेप किया। मणिपुर तो इस घटना के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए राजस्थान के कार्यकर्ता, प्रदेश भर से आई जनता को हम आह्वान करना चाहते हैं। अब ये बोल रही थी हमारी बहन जी, कह रही थी सोती सरकार को जगाने के लिए आए, जगाना नहीं है, इस सरकार को स्थायी रूप से सुलाने का काम अपन को करना है कि बाद में लौट के नहीं आए। और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।